बड़ी एक फ़ख्र की बात है हमारे पुंछ के लोगों के लिए कि हमारे इस पुंछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ क्रिकेट का कुछ इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ कोचेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बावजूद हमारा लड़का ऐसा नहीं है कि वो जम्मू जाके कोचिंग लेके टीम में आया, वो इसी पुंछ में, इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में जो प्रैक्टिस करता था उसकी वजह से आज वो हमारे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जो अंडर 14 की टीम है उस टीम में वो सिलेक्ट हुआ है। 18 की टीम में आया है वो। अभी जो अंडर 14 का जो टूर्नामेंट हो रहा है जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे पुंछ का कोई लड़का किसी भी बोर्ड के टूर्नामेंट में, यानी कि BCCI के टूर्नामेंट में जाके कोई लड़का खेल रहा है, तो बड़ी फख्र की बात है हम लोगों के लिए और सबके लिए, ना कि क्रिकेट बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स बाकी हैं उन सब के लिए फख्र की बात है कि एक लड़का कहीं बाहर जाके ट्रेनिंग नहीं करके इसी स्टेडियम में खेलने के बाद वो जाके उस लेवल तक पहुँचा। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं बोलूँ वो पेरेंट्स को जाता है जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी एनकरेज करते हैं। जैसे उनके फादर निर्दोष कुमार शर्मा जी जो मैनेजर स्पोर्ट्स स्टेडियम पूछे, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया अपना, जो उनकी अपनी फैमिली गेम थी वॉलीबॉल खेलता था वो लड़का, नेशनल गेम नेशनल रिप्रेजेंट कर चुका था वॉलीबॉल में, वहाँ से हटा के उसको क्रिकेट में लाया, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर वो इतना ट्रस्ट शो ना करते उनमें और हम में तो शायद वो लड़का आज वो उस लेवल पे जाके नहीं खेल पाता। और ये सब जो वहाँ तक पहुँचा वो सबसे बड़ी जो क्रेडिट मैं बोलता हूँ वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है जिन्होंने इस पुंछ जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा। उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो हमारे CEO हैं शाहिद बुखारी जी जो JKCA के CEO हैं और जंग बहादुर जम्बॉल जिन्होंने पुंछ में वो टूर्नामेंट कराया, उस टूर्नामेंट में उस लड़के ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर हमारी एक टूर्नामेंट में स्पेशल जो सिलेक्शन कमेटी और बनाई गई थी JKCA द्वारा, उसमें परवेज़ अफरीदी मेंबर थे, मैं चेयरमैन था सिलेक्शन कमेटी और गुरविंदर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर थे। तो हम लोगों ने उस लड़के को यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे उसको अपने लेवल पे हम लोग कोचिंग देते रहे और फिर वो वहाँ पे उस लेवल पे जाके वो अभी हमारी उस टीम में जाके खेल रहा है। पुंछ के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि 1947 के बाद पहली मरतबा ये हुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का कोई लड़का जो है अंडर 14 में JKCA में सेलेक्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज तक जो है आपने देखा होगा कि रांची में जो भी लड़के जाते थे या जम्मू के या कश्मीर के होते थे या डोडा के होते थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए। और ख़ास करके मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, चाहे उसमें हमारी सिविल सोसाइटीज़ इन्वॉल्व होती हैं या NGOs इन्वॉल्व होती हैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि रिदम शर्मा जो हमारे कोच साहब हैं यहाँ पर जो इंचार्ज हैं स्पोर्ट स्टेडियम पुंछ के, उनको और उनके जो बेटे हैं रिदम शर्मा उनको जो है इनकम करने के लिए कम से कम दो लफ्ज़ तो बोलना ज़रूरी है इन सब के लिए, क्योंकि ये पुंछ के लिए जो है मैं कहता हूँ पुंछ के तमाम स्पोर्ट्स लविंग के लिए और पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुंछ यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है उनके लिए ये खुशखबरी की बात है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर। तो मैं आपको बताता चलूँ उसमें जो है इसका जो है क्रेडिट तो पेरेंट्स को जाता ही जाता है, साथ में जो पवन कुमार शर्मा जी है जिन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया JKCA का, और साथ में गुरविंदर सिंह जो है शाना बिशाना रहे उसमें, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अब ऐसा होने वाला है कि इंशाल्लाह कि हमारे पुंछ में जो है और भी लड़के जो है अंडर 23 में या रांची की जो सीनियर टीम है उसमें जाएंगे। तो जब तक हमारे पुंछ से लोग जो हैं स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स प्लेयर्स को जो है बूस्ट नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है, जहां आप और स्पोर्ट्स को जो है या कोई लड़का जो है अचीवमेंट करता है उसको बूस्ट करने के लिए आप यहां पर पुंछ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो है उसको अवार्ड से नवाजते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि क्रिकेट का पहली मरतबा कोई लड़का जो है सेलेक्ट हुआ है रिदम शर्मा, उसको भी जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है अवार्ड से नवाजा जाए। और हम आने वाले वक्त में जब रिदम शर्मा यहाँ पर पुंछ आएगा तो इंशाल्लाह हम एहसास फाउंडेशन की जानिब से भी उनको यहाँ पर जो है अवार्ड से नवाजेंगे। तो आखिर में मैं आप मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा जो है आप कवरेज करते हैं और ख़ास करके पुंछ को स्पोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए आप लिफ्ट करने में मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी बहुत बहुत रोल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका।